बड़वानी जिले के ठिकरी थाना क्षेत्र में हुई डकैती का नवागत एसपी डीआर तेनिवार ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया। डकैती में लिप्त 7 आरोपियों में से 2 को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। 5 आरोपी अभी भी फरार है। ठिकरी थाना क्षेत्र के ग्राम दवाना में पिछले माह रात्रि में डकैती की सनसनीखेज घटना सामने आई थी, जिसमें 7 डकैतों ने मिलकर दवाना निवासी रामू पिता पन्नालाल के घर में घुसकर मारपीट और हथियारों से लैस होकर घर में रखी पेटियों में से 1,75,000 नकदी और सोने चांदी के जेवरात, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए हैं, लूट को अंजाम दिया, जिस पर एडिशनल एसपी सुनीता रावत के मार्गदर्शन और डीएसपी अजाक प्रियंका डुडवे के निर्देशन में ठिकरी थाना की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 7 में से 2 आरोपियों माधव सिंह मंडलोई और दवाना निवासी महेश गायकवाड़ को गिरफ्तार कर 52,000 का मशरूका जब्त किया है। नवागत एसपी डीआर तेनिवार ने बताया कि शेष 5 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। थाना टेकली क्षेत्र अंतर्गत गांव धवाना में 30 और 31 मई की रात्रि को रामू गायकवाड़ के घर में टोटल 7 बदमाशों के द्वारा घुसकर उसके परिवार के साथ मारपीट की, अलमारी में रखे जेवर और उन परिजनों के जो मतलब महिलाओं के जेवर और 1,75,000 रुपये नकदी, कुल 4 लाख का मशरूका जो है वह लूट कर ले गए थे। रामू गायकवाड़ की रिपोर्ट पर थाना ठिकरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही थी। हमारे द्वारा इस प्रकरण का खुलासा करने के लिए एक विशेष टीम एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में गठित की गई है। उस टीम के द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य किया और दवाना निवासी महेश गायकवाड़ को एक दस्तयाब किया, तो यह पाया गया कि गायकवाड़ ने गंदवानी क्षेत्र के एक बदमाशों की टीम बुला करके यह वारदात को अंजाम दिया गया था। अभी तक हमारे पास 2 आरोपी जो हैं दस्तयाब हो गए हैं, उनसे कुछ मशरूका और घटना प्रयुक्त गाड़ी बरामद कर ली गई है। 5 आरोपी शेष हैं, शीघ्र दस्तयाब करके शेष मशरूका बरामद किया। किस तरह से घटना को अंजाम दिया? गायकवाड़ जो महेश गायकवाड़ जो लड़का है वह रामू गायकवाड़ को इस तरह से जानता था, पूरी रेकी कर रखी थी और उसको मालूम था कि सक्षम में घर में पैसे रखे हुए हैं, तो इसमें इनके परिचितों को टीम बुला करके रात्रि में घुस करके वापस मार्केट हुई थी परिजन को। हाँ, परिजन रामू गायकवाड़ के साथ भी मार्केट हुई थी और उसकी जो बहू है और बेटी है उसके साथ भी मार्केट करके जेवर छीने थे। इनके पास कुछ हथियार वगैरह थे? हाँ, हथियार भी इनके पास था।